हेलो नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी के अपने चैनल IBSC इंड्यूज क्लासेज में। साथियों, हम संस्कृत में व्याकरण चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं, हमारे फ्लो में बिल्कुल अच्छे से जो है ना व्याकरण चलती जा रही है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है ना आपको भी समझ में आ रहा है और मुझको भी जो है ना इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, अब जो है ना हम आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं घटिका चित्रम, जो कि जिस समय मैं पढ़ता था 10th में उस समय इसका नाम यह था, लेकिन फिलहाल आपके लिए बात जो है ना टॉपिक क्या है, यह समय लेखनम। ठीक है ना, अब आज जो है ना मेरे साथ एक अजीब सी घटना होगी, अजीब सी बोल सकते हैं, फनी भी बोल सकते हैं। क्या हुआ कि मैं जो ये लिखा हुआ है ना, यह जो है ना बहुत पहले लिख लिया था, मतलब मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, सेम ऐसा जो है ना पीछे पढ़ा लिया था मैंने, जो है ना फोन वोन सब लगा लिया, आपको पढ़ाने लग गया, लेकिन वीडियो के शूट का बटन तो स्टार्ट किया ही नहीं। और जो है ना आधा घंटा 45 मिनट पढ़ाने के बाद मुझे जब मैंने देखा फोन में, तो वीडियो तो शूट हो ही नहीं रहा है, मतलब पूरा आधा घंटा जो है वो वेस्ट हो गया। आपको ऐसे ही में पढ़ाता है, कोई सुन ही नहीं रहा था। ठीक है, तो वापस पढ़ाना जो है आपको पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा, आपके जो है ना एग्जाम की बात है, आपके जो है ना करियर की बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे साथ तो होता रहता है, बहुत बार होता है, लेकिन हम तो जो है ना रुकने वाले हैं नहीं, आपको जो है ना टॉपर बना के छोड़ेंगे। ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं घटिका चित्रम की। देखिए, घटिका चित्रम जो है ना बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही जो है ना नन्नू सा टॉपिक है, लेकिन लेकिन मेरे दोस्त ध्यान रखना कि नन्नू से जो टॉपिक होते हैं ना वही आपके मार्क्स कटवाते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि क्या सब मजाक क्या होते हो, इसमें कैसे मार्क्स कटेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे कटेंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से इसमें मार्क्स कट सकते हैं, वो मैं आपको भी बता के लाइव रूप जो है ना बताने वाला आपको किस तरीके से मार्क्स कट सकते हैं। हालांकि सिंपल है, मैं भी बोलता हूँ कि बिल्कुल नन्नू सा है, सिंपल है, लेकिन जब ये नन्नू सा जो है ना गुस्से में आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है, तो आपके नंबर जो है वो कटवा सकता है। कैसे कटवाएगा वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो है ना सिंपल से जानकारी दे लेता हूँ। घटिका चित्रम समय लेखनम आपको पता ही है, जिस तरीके से हम हिंदी में बात करते हैं कि क्या समय हुआ है, उसी समय से जो है ना उसी अनुसार जो है ना आपको संस्कृत में भी समय बताने का होता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में भी समय बताने का होता है, हिंदी में भी होता है, तो इसी तरीके से संस्कृत में भी होता है, कोई इसमें नई बात है नहीं। अब हम बात करते थे कि संस्कृत में आपको समय लेखनम करना है ना, तो एक बात ध्यान रखने, एक बात तो क्या छोड़, तीन चार बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो हम बोलते हैं बजे, जैसे कि एक बजा है, दो बजे है, तीन बजे है, चार बजे है, पाँच बजे, सवा एक बजा है, डेढ़ बजा है, ढाई बजे है, इस तरीके से आप जब बोलते हो ना, तो वो जो बजे बोलते हो ना, उस बजे को जो है ना हम क्या बोलते हैं, वादनम, क्या बोलते हैं, वादनम, या फिर जो है ना हम क्या बोलते हैं, वादने। ये बात जो है ना आप ध्यान रखना। अच्छा, वादने जो है ना हम ज़्यादातर केसेज में यूज़ करने वाला है, वादनम तो बहुत ही कम केसेज में यूज़ करेंगे। ठीक है ना, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम तो वादने ही यूज़ करेंगे। पहली बात तो ये। अच्छा, जैसे कि देखिए, अब हम इसके लिए बेसिक से आपको जानकारी के अनुसार भारतीय समय अनुसार हम जब गोल गोल घड़ी देखते हैं, वैसे पहले तो आपको जो है ना घड़ी दी गई होती थी, लेकिन उसमें जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि जो है ना काटा आप कई बार जो है ना आपको 5 बजे तो आपको दिख जाता था कि 6 के ऊपर काटा तो मैं 6 बजे लिख लेता हूँ, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन इस बार तो नन्नू जो है ना उसको और भी नन्नू बना लिया गया है, आपको जो है ना सिर्फ समय वगैरह ऐसे दे दिया होता है तो उसको लिखना है। ठीक है, तो जो है ना इसके लिए जो है ना आपको 12 समय अनुसार टोटल कितने होते हैं, 1 से जो है ना 12 तक होते हैं। ठीक है, तो 1 से 12 तक हमें जो है वो गिनती भी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो याद कर लेते हैं। देखिए, हिंदी में नहीं, आपको किस में याद करनी है, संस्कृत में। ठीक है ना, तो आप जो है ना शर्माइए मत कि हम हिंदी में आप थोड़ी ना याद करेंगे, नहीं कोई बात नहीं, आप संस्कृत में याद कर लीजिए। तो यह आपको 12 तक गिनती याद करनी पड़ेगी, गिनती बोल सकते हो उसको जो है ना, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ये याद करने के बाद जो है ना हम छोटे से टॉपिक होंगे, जैसे कि जो आपकी घड़ी होती है, मतलब समय होता है, उसमें जो नॉर्मल टर्म होती है, छोटी छोटी टर्म्स होती है, वो क्या होती है, 1:15 बजे, 1:15 होता है, 1:30 बजे है, आपका जो है ना बोलते हैं 2:15 बजे, 2:45 बजे, तो 3 लगभग होती है, और लगभग इन्हीं के ऊपर सवाल आते हैं। पहली बात तो एक दो होते हैं अलग केसेज है, लेकिन वो जो है ना लगभग तो पूछेगा नहीं। देखिए, अब तक तो जो है ना बहुत ही कम बार पूछे गए हैं, और इस साल तो लगभग पूछेंगे ही नहीं, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, एक को हम बोलते थे कि सिंपल सी बात है, एक को बोलते हैं हम एक ही बोलते हैं, दो को जो है ना बोलते हैं द्वि बोलते हैं, तीन को बोलते हैं त्वि, इसके बाद चार को बोलते हैं चतुर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, चतुर बोल लेते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम बोलते हैं चतुर, यह भी जो है ना हम बोल लेते हैं कई बार। ठीक है, पाँच को हम बोलते हैं पंच, पंच। ठीक है, इसके बाद जो है ना छः को हम बोलते हैं षड़, ये आपने बोल लिया। सात को सप्त बोलते हैं, 8 को अष्ट बोलते हैं, 9 को जो है ना नव बोलते हैं, और 10 को जो है ना दश बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। 11 को जो है ना एकादश बोलते हैं, एकादश। ठीक है, अब यदि आपको ये याद नहीं हुए ना कि 11 को हम क्या बोलते हैं, तो जो है ना
मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, आपने जो है बहुत बार घर में या कहीं भी सुना होगा कि आज तो तिथि होती है ना, आपने भारतीय भारत में जो है ना वो जो ग्रंथ होते हैं उसमें तिथि मानी जाती है कि आज तो जो है ना एकादश है, आपको आज जो है ना द्वादश है, इस तरीके से बोला जाता है। तो एकादशी आपने नाम सुना है ना कि एकादशी के दिन ये होता है, शिव जी का मेला लगता है, तो वो वाला एकादश है, ठीक है ना। एकादश मतलब वो बोलते हैं कि ये आपके 11 ही है, ठीक है। इससे जो है ना आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो, तो यदि आप कहीं भविष्य में भूल जाए एग्जाम में तो याद आ जाए, ये आपको छोटा सा बात जो है वो याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बजे की। बजे तो आपको पता है कि वादनम वादने होता है, सवा को हम क्या बोलते हैं सवा, ठीक है, सवा को बोलते हैं सपाद, ठीक है। इसके बाद जो है ना हम बोलते हैं साढ़े ड, साढ़े को जो है ना हम बोलते हैं कितने बोलते हैं, साढ़े को हम बोलते हैं सार्ध। देखिए सार्ध में इस जो है ना सा अर्ध छिपा हुआ है, और इसके बाद आता है पौना, ठीक है। पौने को जो है ना हम बोलते हैं पादोन। बस आपका काम जो है वो हो गया, सपाल सार्ध पादोन, बस इतनी से जो है ना आपको बात याद करनी है, बात तो इतनी से याद करनी है, इसलिए नन्नू सा है। लेकिन नन्नू सा जो है ना नंबर कटवाएगा, देखिए किस किस तरीके से नंबर कटा सकता है। पहले एक दो मैं आपको टॉपिक बताऊँ, एग्जांपल्स बताऊँगा, एक दो गलतियाँ बताऊँगा, ठीक है, वो तो नॉर्मल सी है, उसमें कुछ खास नहीं है। इसके बाद एक बहुत बड़ी गलती बताऊँगा जो आप कर ही सकते हो या फिर लगभग करोगे, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो है ना हम बात करते हैं एक, एक की छोड़ो हम बात करते हैं दो की, ठीक है। जैसे कि दो बजे हैं, इसको तो आप सिंपल से क्या बोलोगे द्वि, इसके बाद बोलोगे वादने, ये आप बोलोगे बिल्कुल द्वि वादने हम बोलेंगे, यही बोलेंगे, कुछ जो है ना इसमें चेंज करेंगे नहीं, ठीक है। अब आपको बोला गया क्या, इसकी 7:15 हुए हैं, ठीक है। पहली गलती आप कह सकते हो 7:15, इसको आप क्या बोलोगे सवा 7 बजे। अच्छा सवा को क्या बोलते हैं हम, सपाद, ठीक है, तो सपाद, ठीक है। इसके बाद हम बोलेंगे कि 7, ठीक है, सपाद सप्त, क्या बोलोगे, इसके बाद जो है ना क्या बोलोगे हम वादने, यही जो हम लिखेंगे बिल्कुल अच्छे से ये लिखेंगे। अब हिंदी में क्या लिखेंगे, एक बार हिंदी में आप लिख के बताइए मुझे, हिंदी में क्या लिखोगे इसको, कि 7:15 है, ठीक है ना, 7 बजे है, इस तरीके से लिखोगे क्या, या फिर इस तरीके से लिखोगे 7:15, इस तरीके से लिखोगे ना कि 7:15 है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए यह जो गलती है ना इतनी कॉमन, मतलब इतने जो है ना आपके गंभीर नहीं है, यदि ये लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको जो है ना हमेशा मतलब टॉप ऑफ द पीक होना, ठीक है ना। तो आपको जो है ना देखिए सपाद सप्त जो है ना इसको अलग अलग नहीं लिखना, इन दोनों को साथ साथ लिखना है। तो ये पहली बात तो ये ध्यान रखना कि सपाद सप्त को जो है ना हमें साथ साथ लिखना है। तो ये आपने लिख लिया सपाद सप्त को साथ साथ लिख लिया ना, बहुत ही अच्छे से लिख लिया, कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है, इसको जो है ना देखिए साथ कर भी सकते हो, लेकिन जो है ना अलग ही रखना, जिससे जो है ना थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि 6:30, मतलब कितने हो गए, ये आपके 6:30 है, 6:30 मतलब सार्ध षड वाद ने, ठीक है ना, ये आपने लिख लिया, हो गया ना सिंपल सा टॉपिक, सिंपल सा है, बिल्कुल आराम से जो है ना आप कह सकते हो। आगे समझ में, जैसे कि देखिए हम बोलते हैं, जैसे कि आपको बोला है कि 6:45, अब ये दूसरी गलती मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक टाइम देखना नहीं आता है, हो सकता है कि कोई कारण हो सकता है, या फिर कभी कभार देखिए कारण उसको टाइम देखना आता भी है, लेकिन कभी कभार वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। कन्फ्यूज कैसे होते हैं, ये 6:45 है तो उनको ये तो पता होता है कि 45 मिनट यानी पौने, ठीक है ना, लेकिन कभी कभार ये 6:45 इसको ही जो है ना 6:45 बोल देते हैं, लेकिन ये गलत है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा 6:45 मतलब 6:45, ठीक है ना। 45 आपको कहीं पर दिख जाए ना तो उसके एक आगे वाला बोलना, यदि यहाँ पर 45 है तो आप बोलोगे कि 6:45, ठीक है, आप 6:45 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 6:45। यह बात जो है ना अच्छे से ध्यान रखना, कान खोल कर जो है ना अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि इससे पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा यदि आपने कर लिया तो, ठीक है ना। बहुत ही आपकी बोल सकते हैं कि गंभीर समस्या है, तो आपको बोले यहाँ पर लिखना पड़ेगा 6:45। अच्छा 6:45 को हम बोलते हैं पादोन, क्या बोलते हैं, पादोन सप्त वादने, ठीक है ना, क्या लिखोगे, पादोन सप्त वादने, ये आज जो है ना आपने लिख लिया, सिंपल सा है ना। अब जो है ना बस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात जो है ना ध्यान रखनी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अभी बताता हूँ मैं आपको, फिलहाल तो जो है ना इनको आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छे से आ गई, सही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, एक दो और देख लेते हैं, जैसे कि जो अच्छे के देख लेते हैं हम 2:30 कितने हैं बजे, ये 2:30 हम इसको नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं 2:30 है, ठीक है। तो 2:30 जो है ना हम इसको कैसे लिखेंगे, सार्ध द्वि वादने, ठीक है ना,
बस ये जो है ना आपने लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ना इतना तो समय में समझ में आता है, इसमें आपने क्या खास बताया, एक दो बातें तो खास बताइए, ठीक है, एक दो बात तो खास बताइए, एक दो और बात मैं आपको खास बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तो देखिए आपको 2 3 4 5 ठीक है, 4 को मैं अभी बताता हूँ, इसके बाद देखिए 1 2 3 पहले 4 का भी देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आपको मिल गया 4:15, ठीक है, या फिर जो है ना पहले तो इसको देख लीजिए, ये आपको लिखा है 4 बजे है, तो आप इसको क्या बोलोगे, चतुर्वादने, ठीक है ना, ये आप लिख लोगे, तो चतुर्वादने बिल्कुल सही है, आप लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे, लेकिन इसको अच्छा दिखाना है, हमें सुंदर दिखाना है, तो सुंदर दिखाने के लिए जो है ना हम इनको साथ साथ लिख लेंगे, तो साथ साथ लिखोगे तो होगा क्या, देखिए चतुर्वादने, देखिए अब थोड़ा सा ये सुंदर दिख रहा है, थोड़े से जो है ना संधि विच्छेद संधि वगैरह कुछ करके जो है ना हमने संधि तो नहीं की, लेकिन अच्छे से जोड़ कर जो है ना इसके लिखा है कि चतुर्वादने, अच्छा दिख रहा है ना, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। जैसे कि देखिए आपको बोल लिया कि 4:15, तो आप जो है ना क्या लिखोगे, 15 मिनट का मतलब सवा, तो सपाद सपाद चतुर ये आपने लिख लिया, इसके बाद वादने चतुर्वादने, इस तरीके से जो है आपको पूरा एक पद बनाना पड़ेगा कि सपाद चतुर्वादने, हो गया ना, सपाद चतुर्वादने, अच्छे से हो गया। इस तरीके से जो है ना इसमें भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसको जो है हम साथ साथ ही लिखेंगे ताकि जो है ना अच्छे से देखिए आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे कि आपको बोल लिया कि 4:30, तो आप क्या लिखोगे, सार्ध साढ़े को बोलते हैं हम सार्ध, इसके बाद चतुर वादने, ये आपने जो है वो बोल लिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोल लीजिए और आपका काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ना आपको सब समझ में आ गया है, तो अब जो है ना आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कहीं पर भी देख कर नहीं करनी है, 2 3 4 5 6 7 9 10 और 12, ठीक है, 12, इन सब की जो है ना प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, जैसे कि 2 को क्या बोलते हैं, 2:15 को क्या बोलते हैं, 2:30 को क्या बोलते हैं, इसके बाद 2:45 को क्या बोलते हैं, ये सभी जो है ना इसके लिखना है, इसी तरीके से 3 का लिखना है, 4 का लिखना है, 5 का लिखना है, सभी का लिख लेने का है। एक बार जो है ना आपके हाथ से लिखा जाएगा ना, तो आपके हाथ को जो है ना वो याद हो जाएगा, आपको हाथ को भी ये याद होता है, मैंने आपको बताया क्या ना कि हाथ को भी जो है ना बातें याद रहती है, यदि आपको कोई पेन ला कर दे दे तो आपको आप आँखें बंद कर भी बता सकते हो कि वो पेन है या फिर पेंसिल है, ठीक है ना। तो ये जो है ना आप ध्यान रखना, एक बार इनको लिख लेना, यही जो है आपकी प्रैक्टिस है, इसमें कुछ नहीं है, आधा एक घंटे का काम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो कि आप एग्जाम में कर सकते हो, क्योंकि ये नन्नू सा जो है ना आपको एग्जाम में मार्क्स कटवा सकता है, इस नन्नू से जो है ना हम इसको बहुत ही नन्नू बनाकर जो है ना छोड़ देते हैं। देखिए बात करते हम क्या गलती आप कर सकते हो, गलती की बात करें तो आपको जो है ना बोल दिया गया कि 1 बजा है, तो आप क्या लिखोगे, 1 बजा है तो आप क्या लिखोगे, इसको जो है ना क्या लिखोगे, 1 वादने, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 में से 1 नंबर आ जाएगा। लेकिन आपको अगर ये बोल दिया गया कि 1:15, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि सपाद 1 वादनम, बिल्कुल सही बात है, सपाद 1 वादनम, लिखिए जवाब, इसको लिखिए, तो सपाद आपने लिख लिया, पिछवा को बोलते सपाद, तो ये आपने लिख लिया सपाद, इसके बाद आप लिखोगे भाई सर ने तो जो पहले इस तरीके से लिख लेते हैं, सपाद 1 इसके बाद वादन, ये आपने लिख लिया, तो इसको जो आप क्या लिखोगे, सपाद इसके बाद 1 वादने, ठीक है ना, ये आप लिखोगे, यह जो है ना आपका बिल्कुल गलत होने वाला है। क्यों गलत होने वाला है, इसका आप जो है ना जवाब बता सकते हो क्या, यदि जवाब बताया तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, यदि हाँ है तो, बाकी तो जो है ना लाइव है नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा, लेकिन जब लाइव आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यह आपका गलत होगा। अब क्यों गलत होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यदि आपको बोल दिया गया कि 2+3 लिखिए, आप मैं गणित की बात करता हूँ, गणित में मैं अच्छा समझा सकता हूँ, आपको बोल दिया कि आप कोई सवाल हल कर रहे हो, अब आपके सामने आ गया कि 2+3, आपके सामने क्या आ गया 2+3, तो आप क्या करोगे, आप 2+3 को क्या 5 लिखोगे या नहीं लिखोगे, बिल्कुल अच्छे से हम सिर्फ 5 लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, या फिर आप 2+3 को जो है ना ऐसे लिखोगे 2-3, क्या आप इसको ऐसे लिखोगे, बिल्कुल नहीं सर, ये तो आप जो है ना होगा ही नहीं, ये तो जो है ना बिल्कुल किसी भी हाल में नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, यदि ये गणित में नहीं हो सकता है तो आपके संस्कृत में कैसे होगा। मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ कि सपाद 1 या फिर सपाद और 1 में जो है ना संधि हो रही है, क्या हो रही है, संधि, और संधि तो हमने इस साल पढ़ने रखी है, सिर्फ विसर्ग संधि ही पढ़ रखी है, और विसर्ग संधि यहाँ पर है नहीं, और यदि विसर्ग संधि यहाँ पर तो है नहीं, कहीं नहीं लगेगी लगभग, और इसके बाद दूसरी संधि है, दूसरी संधि हमने पढ़ दे रखी नहीं है, और यदि हम इनकी संधि करें नहीं ना तो हमारा जो है ना क्वेश्चन गलत होगा, तो हम क्या करें इस केस में। इसलिए जो है ना मैंने आपको बताया कि आप जो है ना एक बहुत बड़ी गलती करोगे इस साल, तो ये वाली गलती वो है, ठीक है ना, 2 नंबर जो है ना आप ऐसे खड्डे में डाल के आ जाओगे, क्योंकि यह 1 में
आपके 8 में और 11 में, इन तीनों में आपके संधि लगेगी और इन तीनों में से एक भी एग्जांपल आ गया ना आपके सामने तो वो आप, मैं आपको बोलता हूँ कि आप वो खड्डे में डाल के आ जाओगे। इसलिए जो है ना मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट गलती है ये। अब आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, संधि कर लेने की है ना, कुछ नहीं कहेंगे। आपके सामने कोई पत्थर पड़ा तो आप क्या करोगे, जवाब पे बैठ जाओगे कि पत्थर पड़ा है, पत्थर को साइड में कर देंगे, ठीक है ना। तो बस सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर संधि करना सीख लो तो आपका काम हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर संधि अब हम कहाँ सीखे यहाँ से, संधि कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। देखिए ये आपका है सपाद एक वादने, इतना तो आप लिख लोगे। इसके बाद ए है ना, यदि ए आ गया ना तो आपको कुछ नहीं करना, सपाद जो है ना, सपाद द जो है ना सबसे लास्ट अक्षर, इसके पीछे ए की मात्रा लगा लो, ये आपने लगा ली सपादे। अब ए आपका मिट गया, ए आपका मिट गया तो अब आप लिख लीजिए एक सपादे का वादने, ठीक है ना। ये आपने जो है वो लिख लिया सपादे का वादने। अब जो है ना आपका बिल्कुल सही है और अब आपका एक नंबर पक्का है। देखिए दोस्तों सब बताते हैं कि यह सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन सिंपल है, सही बोलता हूँ सिंपल है, लेकिन देखिए वो भी गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि बच्चे का एक लेवल होगा कि उसको संधि वगैरह कुछ सब कुछ आता ही होगा, इसके बाद ये कह रहा है तो वो तो सिंपल है। लेकिन मुझे पता है कि इस साल हमने संधि नहीं की है और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको संधि आती नहीं होगी, क्योंकि मैं भी एक टाइम पर नाइन्थ तक जो ना मुझे भी संधि वगैरह कुछ पता ही नहीं था, टेंथ में थोड़ी बहुत पता आती, इसलिए जो ना मैं आपको सबको साथ लेकर चल रहा हूँ। तो देखिए अब आपका हो गया, ये बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छे से हो गया। जैसे कि मैं आपको और बताऊं, डेढ़ है, ठीक है ना। अब आप इसको क्या लिखोगे, सावद सावद, अब आप लिख लोगे एक, ठीक है ना, इसके बाद लिखोगे वादने, बिल्कुल सही बात है, आप ये सही लिख रहे हो। अब आप इसको जो है ना ऐसे नहीं लिख सकते कि सावद एक वादने, ये आप जो है ना बिल्कुल लिखोगे तो बिल्कुल और बिल्कुल और बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस जो है ना यहाँ पर जो है ना क्या लगाना है, एक ही मतलब लगा लेने की, एक ही मतलब लगा ली और इसको हटा लिया तो क्या बन जाएगा, सावदेक वादने। हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल अच्छे से हो गया है और हमें समझ में भी आ गया है, समझ में भी आ गया है, आ गया ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। देखिए कितना अच्छे से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, संधि करनी थी जो हम कर रहे बड़ी आराम से, ठीक है। अब आपको ये बोल दिया गया कि 12 बजकर जो है ना 45 मिनट हो गए हैं, तो आप इसको क्या बोलेंगे, 12:15, बिल्कुल नहीं, हम बोलेंगे कि यदि 45 आ गया ना इसके आगे वाला बोलेंगे 12:15, 12:15 क्या हो जाएगा, पादोन एक वादने, ठीक है ना। ये अब आप जो ना यहाँ पे प्लस का निशान मत लगा लेना, मैं जो है ना गलती से भी लगा भी दूँ ना तो आप समझ जाना कि वहाँ पर जो ना ये वाला निशान है, क्योंकि प्लस का निशान जो ना मुझे लगाने की आदत पड़ गई है गणित का पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो पादोन एक वादने, तो यहाँ पर जो है ना आपको क्या लिखना है, पादोन, अब न के ऊपर ए की मत लगानी है, पादोन एक वादने, बस ये आपका जो है ना काम हो गया है। हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल अच्छे से सर हो गया है और हमें समझ में भी आ गया है। सर अब आगे बढ़िए और हमें बताइए इस 8 का, पहले 1-10 का देख लेते हैं, इसके बाद 8 का देखते हैं। ये देखिए सभी बातें जो है ना ये आपको ध्यान रखनी है, इनको आप लिख लीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, इनको आप लिख लीजिए, आपका एग्जाम में मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, ठीक है ना। मैं जो है ना बिल्कुल 100% लेकर चल रहा हूँ। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ये भी बोलेंगे कि सर हमारे तो जो ना सर ने बोला है कि नहीं कटेंगे, आप ये लिखोगे तो भी नहीं कटेंगे। देख अब जो है ना यदि आप इनको लिखोगे और नहीं कटे है ना तो ये हो सकता है कि आपकी किस्मत है। पहली बात तो आपकी किस्मत यदि अच्छी है ना तभी नहीं कटेंगे, पहली बात। और यदि नहीं भी कटे ना, मान लो आपके मार्क्स नहीं कटे तो आपका होगा, देखिए आप किसी एक दूसरे बंदे से मिलने गए, ठीक है, कोई भी नया बंदा है, आप स्कूल में गए, आपको दूसरा बंदा मिला तो उससे आप जब बात कर रहे हो तो स्टार्टिंग में सबसे पहली मुलाकात में वो आपके साथ मतलब बदतमीजी करे, कुछ कुछ ऐसा बोले, जो भी मतलब आपको ऐसा बोले जो आपको अच्छा नहीं लगे, तो क्या आपको उससे दूसरी बार बात करने का मन होगा ही नहीं होगा। बिल्कुल सर हमें उनसे बात करने का मन नहीं होगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लिखता है, हमें एग्जाम में सिर्फ कॉपी में नहीं लिखना है, हमें एग्जाम में जो एग्जामिनर है उसके दिमाग के साथ भी खेलना है, उसके दिमाग को भी हमें परखना है। यदि आप एग्जामिनर के सामने इस तरीके के उदाहरण पेश कर लोगे कि पादोना प्लस एक जो है ना पादोने का वादन हो जाएगा तो एग्जामिनर क्या समझेगा, आप ही बताइए, बिल्कुल सही कर देगा, आपका एक नंबर जो है वो सही कर देगा, मैं इसमें सहमत हूँ आपसे। तो एग्जामिनर जो है ना इसको देखकर जो है ना ये समझ जाएगा कि इसको जो है ना व्याकरण ढंग से नहीं आती है, ये तो वो अच्छे से समझ ही जाएगा। जैसे जिस तरीके से आप उस बंदे को समझे कि यह तो बंदा अपना लायक नहीं है, उसी तरीके से एग्जामिनर समझ जाएगा यहाँ पर कि इस बंदे को जो है ना संस्कृत व्याकरण नहीं आती है, इसका मतलब मुझे इसकी कॉपी जो है ना वो ढंग से चेक करनी पड़ेगी, थोड़ी कस के चेक करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए जो एग्जामिनर होते हैं ना उनके ऊपर भी जो है ना
क्या होता है, एक भार होता है, मतलब उनके ऊपर भी जवाबदारी होती है कि देखिए एग्जामिनर जो है ना किसी भी बंदे को फेल तो नहीं करते लेकिन एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं देते हैं, ठीक है। और जो है ना वो ध्यान से चेक करते ताकि जो है ना उसके ज़्यादा नंबर आ जाए ना तो कभी भी मैं फोल्ड में नहीं आऊँ, इसलिए जो है ना वो ध्यान से कॉपी चेक करके आपके जो है ना वो एक्स्ट्रा मार्क्स काट सकता है। इसलिए देखिए मैं आपको अक्सर मेरे वीडियो में बताता रहता हूँ कि आपके ये दो नंबर, आप ऐसा मत समझे कि दो नंबर है, यह दो नंबर आपके दूसरे जो 78 नंबर है ना उनको भी डिसाइड करेंगे, ठीक है, बात समझ रहे हो आप। इसलिए जो ना हर एक टॉपिक को आप ऐसा मत लीजिए कि दो ही नंबर है, दो ही नंबर जो ना आपके बहुत मायने रखते हैं। दो नंबर के क्या मायने, उस बंदे को जाकर पूछिए जो 90 प्लस से रह गया, उस बंदे को जाकर पूछिए जो जिसके 95 बनने से रह गए, और उस बंदे को जाकर पूछिए जिसके 100 में से 100 आने थे उसकी जगह जिसके 98 आए हैं, उसको दो नंबर का वैल्यू जो है वो पता रहती है। और जब आप एग्जाम में जो है ना बड़े बड़े एग्जामिनर में जाते हो ना वहाँ पर दो नंबर तो छोड़ो, एक नंबर भी जो है ना बहुत हजारों लाखों रैंकों का जो है ना वो डिफेंस करती है। तो आपको जो है ना ऐसा मत सोचना कि ये दो नंबर ही है तो हम इससे ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल अच्छे से देखिए। देखिए एक घंटे का काम है, एक घंटा ध्यान दे दीजिए आपका काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा समय ले लिया। अब हम वापस टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं 11 बजे की। 11 बजे तो आप एक लिख लोगे एकादश वादनम, ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है 11:15 कितना होगा आपका सपाद एकादश वादने, ठीक है। तो आप लिखोगे देखिए सपाद, आप क्या लिखोगे सपाद, इसके बाद लिखोगे एकादश, एकादश इसके बाद आप लिख लोगे वादने, ठीक है ना। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे सपाद एकादश, आप लिखोगे देखिए सपा, ये आपने लिख लिया सफा तो नहीं है, ठीक है, सपा ये आपने लिख लिया द है, अब इसके ऊपर जो है ना एक की मात्रा लगा लो एक की जगह, अब आपका पीछे क्या बच गया का और यहाँ पे बच गया द श, ठीक है ना। तो सपा एकादश वादने ये आपका हो गया, नहीं हो गया बिल्कुल अच्छे से हो गया और समझ में भी आ गया। जहाँ पर ए है ना इसको हटा कर जो है ना सबसे लास्ट वर्ड है इसके ऊपर जो है ना एक की मात्रा लगा लो, हो गया ना। जैसे कि देखिए 11:30 के हम क्या बोलेंगे सार्द है, ठीक है, अब जो है ना इसके आगे जो है ना इसके ऊपर जो है ना एक की मतलब लगा लो तो सार दे, ठीक है, इसके बाद आप पीछे से का द श लगा लो, ठीक है ना। ये समझ में नहीं आए ना आपको यदि तो आप जो है ना ढंग से इस तरीके से लिखकर आप कर सकते हो सपाद एक शपा सॉरी सावदे का दश वादने 11:30 है, इस तरीके से जो है ना आपका होगा। एक और है इसमें देखिए आपको आपको बोल दिया कि 10:45 तो आप इसको क्या बोलोगे, आपको जो है ना इसको 9:45 नहीं बोलना है, आपको बोलना है 10:45, ठीक है ना। तो 10:45 हो गए हैं तो आप जो है ना क्या कहोगे, आप कहोगे कि पादोन, ठीक है, इसके बाद ए हो जाएगा का दश पादोन एकादश वादने, हो गया ना बिल्कुल अच्छे से हो गया सर, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो ये आप तो जो है वो समझ के इनको आप लिख लीजिए, आपका काम जो है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं अब 8 की। देखिए 8 की बात करके जो है ना हमारा काम ये फिनिश हो जाएगा, हम जो है ना अच्छे से काम हमना हमारा काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको 8 बोल लिया तो 8 को तो जो है ना सिंपली आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे अष्ट वादने, ये आपने लिख लिया, ठीक है। आपको बोल लिया कि 8:15 तो आप जो है ना क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि 8:15 को जो नाम क्या बोलते हैं, 8:15 को हम बोलते हैं क्या सपाद अष्ट वादने, ये जो है ना आपने बोल लिया, ठीक है। अब सपाद अष्ट आपको जो ना ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं लिखना है कि सपाद अष्ट वादने, ये तो जो है ना आपका गलत ही होगा। देखिए कितना अजीब लिखा है, बिल्कुल अजीब है आपका, इसको आपको संधि करके लिखना पड़ेगा। तो आपको क्या लिखना है सपाद ओ है ना इसकी जगह जो है ना आप सबसे लास्ट वाला शब्द उसके ऊपर इसके आगे जो है ना आग की मतलब लगा लीजिए, सपादा हो गया, इसके बाद अष्ट लिख लीजिए सपादा अष्ट वादने, बस आपका जो है वो काम हो गया, यह जो है ना नहीं लिखना है, ठीक है, हो गया। इस तरीके से 8:30 साढ़े आठ बजे मतलब कितना हो जाएगा सार्द, कितना हो जाएगा देखिए सार्द, ठीक है ना, इसके बाद अष्ट और ये है आपका वादने, ये हो गया ना। अब देखिए आपको जो है ना आ की मात्रा लगानी है तो क्या हो जाएगा आपका यह सारदा, ठीक है, इसके बाद अष्ट सारदा अष्ट वादने, सारदा अष्ट वादने, ये आपका हो गया, ठीक है। अब आपका हो जाएगा 7:45 जो है वो क्या है, आप क्या बोलोगे कि 7:45 है, तो क्या आप लिखोगे पादोन अष्ट वादने, ये आपने लिख लिया बिल्कुल अच्छे से लिख लिया, ठीक है। अब पादोना अष्ट ये अ है तो आपकी मत आ जाएगी तो क्या आ जाएगा पादोना
पादोनाष्ट पादोनाष्ट वादने, यह जो है ना आपका काम हो गया। बस इसको जो है ना आपको समझ लेना है, याद कर लेना है, आपका काम जो है वो हो जाएगा। हो गया ना, अच्छे से हो गया, बिल्कुल अच्छे से हो गया। तो बस हम अभी हमें जो है वो समझ में आ गया है, अब हमारा ये नन्नू सा टॉपिक जो है ना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दो नंबर जो है हमें देकर जाएगा। ठीक है, दे दिए आपको दो नंबर। अब यदि आपकी इजाज़त हो तो इस साल जो मॉडल पेपर में आए थे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आए थे, उनको हम कर लेते हैं। लेकिन आपकी इजाज़त है या नहीं मुझे कैसे पता चलेगा, कैसे इस बार तो पता चल नहीं सकता, लेकिन बहुत ही जल्दी हम लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं। लाइव क्लास में जो है ना हम आपकी इजाज़त, मैं आपकी इजाज़त लेकर ही आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा, कौन सा कराना, किस तरीके से कराना है आपको पूछ कर ही कराऊंगा। ठीक है, आप जो है ना आप मुझसे बातें भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल तो जो है ना आपको मॉडल पेपर में जो आए हुए दो क्वेश्चन थे उनको हम हल कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इस साल हमारे सामने कैसे नन्नू से टॉपिक आने वाले हैं, नन्नू से क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये थे आपके दो नन्नू से क्वेश्चन, दो नंबर के थे, पहला एक नंबर का, दूसरा भी एक नंबर का, दो नंबर आपके कवर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना कोई ऐसा जो मैंने अभी आपको समझाया है वैसे आ गया नहीं है, एक वाला, आठ वाला और ग्यारह वाला उदाहरण, लेकिन आ सकता है, यदि आ गया तब आप क्या करोगे, इसलिए जो ना आपको समझा दिया है, एक आधा तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए साढ़े छः को हम क्या बोलते हैं, देखिए आपको जो है ना रफ में जाना है, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप लिखोगे साढ़े छः, मतलब आप लिखोगे पहले साढ़े, इसके बाद लिखोगे आप छः। ठीक है, इसके बाद देखिए वादी ने तो पीछे आ गया, वादी ने हमें लिखने की जरूरत नहीं है, साढ़े को हम बोलते हैं क्या, सार्ध। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं षड़, छः को क्या बोलते हैं षड़, तो सार्ध षड़, तो सार्ध षड़ यहाँ पर आप लिख लीजिए सार्ध षड़। ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब इसके बाद जो है ना सात पंद्रह मतलब सवा सात हो गया। ठीक है, देखिए ध्यान से करना, आपके पास खूब टाइम होगा, संस्कृत में 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा, पूरा पेपर होता है, उसमें जो है ना आप क्या करोगे इतने टाइम, तो ये आपको करना है सवा सात। सवा को हम क्या बोलते हैं, आपको बोलते हैं सपाद सप्त, ये आपका काम हो गया। तो आप लिख लोगे यहाँ पर सपाद सपाद सप्त, आपका काम हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल अच्छे से हो गया, और हमारे दो नंबर जो है वो आ गए ना, बिल्कुल अच्छे से जो है ना हमारे सामने आ गए है। अब आप कहोगे कि सर हमें एग्जाम में जाना, जैसे कि इसका आंसर बुक में हम क्या लिखे, प्रश्न जैसे कि उत्तर दो लिख कर जो है ना, या फिर दो लिख कर जो है ना हम डायरेक्ट यही लिखे क्या, सावद षड़, बिल्कुल आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, और जो है ना सपाद सपाद सप्त। ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो इंग्लिश में, और जो है ना हिंदी में और संस्कृत में ये आप लिख सकते हो, लेकिन संस्कृत में जो है ना आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये लिखोगे तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन क्या 95 प्लस नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी जो है ना आपका काम सही है, आप आराम से यदि ये करोगे तो भी जो है ना आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे आज का लेक्चर समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया है, यदि आ गया है तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि पुराने ही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि जो है ना आपके नए नए दोस्त भी आए, आप हमारे पास जो है ना नए नए व्यूअर्स भी आए, और जो है ना हमें देखे, हमें जो है ना सपोर्ट करते रहे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जो है ना सबसे बड़ा काम आपका क्या है, एग्जाम में फोड़ने की तैयारी जो है वो करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।